स्वागत है आपका कैड कैम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे जो हमारा डिस्क ब्रेक का थर्मल एनालिसिस होता है। ओके, डिस्क ब्रेक जो बाइक का होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 आवर के लिए बाइक रन कर रहे हो, ऑलराइट, एंड जब आप स्टॉप करते हो कभी डिस्क ब्रेक को हाथ लगा के देखो, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि आप जब भी ब्रेक लगाते हो ब्रेक पैड्स अटैच होता है, राइट, एंड फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, ऑलराइट। एंड एवरी बाइक का अगर आपने डिस्क ब्रेक नोटिस किया तो एवरी बाइक का अलग अलग डिजाइन होता है डिस्क ब्रेक का। नाउ अगेन स्टेडी स्टेट थर्मल, अब ऑलरेडी मैंने मल्टीपल मॉडल्स यहाँ पे डिस्क ब्रेक के डिजाइन करके रखे, सो डायरेक्टली मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट ज्योमेट्री, ब्राउज, डिस्क ब्रेक 3 लेते हैं हम लोग पहले, ओपन। नाउ इसे फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट करना होगा हमें, क्यों, क्योंकि अब देखो डिस्क ब्रेक जो मैंने बनाया है, ऑलराइट, उसका फ्लैट फेस रहेगा एंड आपका जो ब्रेक पैड्स अटैच होता है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं फ्रोज एड मटेरियल करके इंपोर्ट कर रहा हूं। ओके, राइट, अब देखो ये एक डिजाइन है हमारे पास, राइट। अब जो ब्रेक पैड्स आपका अटैच होता है, फॉर एग्जांपल इस सरफेस में ब्रेक पैड्स अटैच हो रहा है, ओके, सो यहां पे अगर हमें फ्रिक्शन अप्लाई करना है, हीट फ्लक्स अप्लाई करना है, सो ये यहाँ पे फेस अलग चाहिए क्योंकि ये सर्कुलर वे में इसे अटैच होगा। अब देखो दोनों डायरेक्शन में अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो टोटल फेस सिलेक्ट हो रहा है, मीन्स टोटल फेस पे हीट फ्लक्स या फिर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, ओके। सो इसीलिए मैंने इंपोर्ट करने के बाद भी यहाँ पे डिजाइन मॉडलर ओपन किया। नेक्स्ट इंपोर्ट को आपको एड मटेरियल में जनरेट करना है, अगर आपका एड फ्रोजन में डिफॉल्ट आएगा ऐसे, सो इस पे आप इम्प्रिंट फेसेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि फेस अलग करने के लिए हमारे पास इम्प्रिंट फेस टूल है। सो इंपोर्ट, एड मटेरियल एंड जनरेट, ओके, यूनिट को अगेन पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करके लो, ऑलराइट। नाउ आपका जो स्केचिंग है वो यहां पे आप देख सकते हो, वाई जेड प्लेन पे इसका स्केचिंग हुआ है, सो अगेन वाई जेड प्लेन को सिलेक्ट करके लुक एट कर रहा हूं मैं, ओके। अब यहां पे हमें स्केच चाहिए, सर्कल, तो सिंपल 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं जहां पे हमें फेस अलग करना है एंड डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल ये जो इनर सर्कल है इसका डायमेंशन ऐड किया मैंने 120 एंड आउटर सर्कल का ऐड किया 140, ओके। सो ये जो इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया रहेगा, यहां पे आपका जो ब्रेक पैड है वो अटैच होगा, मींस यहां पे आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा, ऑलराइट। सो इस स्केच को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट, एक्सट्रूड। अब देखो स्केच मेरा लेफ्ट फेस पे है एंड एक्सट्रूड राइट डायरेक्शन में हो रहा है, सो मैं क्या कर रहा हूं इसे रिवर्स कर रहा हूं, ओके, मींस यहां से इस साइड आ जाएगा एंड ओनली मुझे फेसेस अलग करना है, सो इम्प्रिंट फेसेस, एक्सट्रूड में इम्प्रिंट फेसेस देखा था हमने, इम्प्रिंट फेसेस एंड जनरेट। नाउ यहां पे आप देख सकते हो ये फेस अलग हो जाएगा, ओके, ये तीनों फेस अलग हो गया। अब ये मिडल का फेस यूज करके मैं इस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर सकता हूं एंड सेकंड डायरेक्शन में देखो ये टोटल फेस है, ओके। अगर आपने एक्सट्रूड जो है आपका इम्प्रिंट फेसेस वो नॉर्मल डायरेक्शन में किया होता, मीन्स राइट डायरेक्शन में, तो क्या होता, देखो इस डायरेक्शन में तो फेस अलग हो गया, राइट, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपका फेस अलग हो जाएगा, ओके, क्योंकि राइट डायरेक्शन में आप इम्प्रिंट कर रहे हो। सो मुझे दोनों डायरेक्शन में नहीं चाहिए, मुझे सिंगल डायरेक्शन में ही यूज करना है, इसीलिए मैंने डायरेक्शन रिवर्स किया, ओके, राइट, यहां पे फेस अलग हो गया एंड ये टोटल फेस है, ओके। सो सिंपल जो भी आपका डिस्क रहेगा, जो भी आप मॉडल इंपोर्ट करोगे, स्केच ज्योमेट्री मॉडलर में आपके आपको स्केचेस करना है इस पे, ओके, एंड इसे अलग करना है ओनली फेस को, ओके। नाउ ये होने के बाद अगेन मॉडल यहां पे आने के बाद भी आप चेक कर सकते हो यहां पे फेसेस अलग है, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग, अब देखो आपका जो ब्रेक पैड्स होता है, अगर आपने डिस्क ब्रेक देखा है,
किसी एक ही डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होता, मीन्स एक डायरेक्शन से ही अप्लाई नहीं होता, सेकंड डायरेक्शन में भी अप्लाई होता है. ओके सो मैंने ओनली सिंगल फेस पे यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि और एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंसिस का, सिमेट्री. यहाँ पे मॉडल पे जब आप क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे ऊपर मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन रहेगा सिमेट्री. ओके जैसे हमारा मिरर टूल है, वैसे ही वर्चुअली हम लोग एंसिस में सिमेट्री भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके सो मैं यहाँ पे सिमेट्री ऐड कर रहा हूं. ऑलराइट अब देखो सिमेट्री में थ्री ऑप्शंस होता है, सिमेट्री रीजन, पीरियोडिक रीजन एंड साइक्लिक रीजन. अभी हम लोग ओनली जो नॉर्मल मिरर होता है हमारा वो सिमेट्री रीजन का होता है. ओके सो ये फेस सिलेक्ट करो. ओके जहां से आपको सिमेट्री करना है, मीन्स इस फेस पे जो भी मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा वो एग्जैक्टली मिरर होके यहाँ पे आ जाएगा. ओके मीन्स ये आपका मिरर फेस हो गया. सो फेस सिलेक्ट करो एंड सिमेट्री रीजन पे क्लिक कर दो. अब देखो यहाँ पे सिमेट्री में एक सिमेट्री रीजन ऐड हो गया. ओके पीरियोडिक एंड साइक्लिक, साइक्लिक मीन्स ऐसे सर्कुलर वे में सिमेट्री होता है, ये हमारा नॉर्मल सिमेट्री है अबाउट प्लेन. ओके सो अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार प्रोसीजर. जैसे ही आप मॉडल इंपोर्ट करोगे, मॉडल पे क्लिक करो, सबसे टॉप पे यहाँ पे सिमेट्री रहेगा. ओके एंड देन सिमेट्री के अंदर तीन सिमेट्री ऑप्शन होता है. सो जो आपका टोटल फेस रहेगा, कंप्लीट फेस, उसे सिलेक्ट करो, सिमेट्री रीजन, एंड हो गया आपका सिमेट्री अप्लाई. ओके सो यहाँ पे अब इसे मैं माइनस कर रहा हूँ. राइट यहाँ पे सिमेट्री रीजन अप्लाई किया. नेक्स्ट मैशिंग, सो जनरेट मैश. ओके यहाँ पे ये मैशिंग अप्लाई, थोड़ा सा मैं इसे फाइन कर रहा हूं. अब इसके लिए मैं कोई मेथड यूज नहीं कर रहा, आप मेथड एंड ऑल मैशिंग कंट्रोल यूज करके इसका मैशिंग इंप्रूव कर सकते हो. ओके क्योंकि इसमें अगर ज्यादा हमने अभी मैशिंग किया तो अगेन रिजल्ट सॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा. सो जस्ट मैं बेसिक मैशिंग पे आपको शो कर रहा हूं. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेडी स्टेट थर्मल. अब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन जो हो रहा है, उस फ्रिक्शन से जो हीट फ्लक्स जनरेट होता है, बेसिकली जब आपका ब्रेक पैड इससे अटैच होगा सो वो फ्रिक्शन होगा एंड उस फ्रिक्शन से हीट फ्लक्स जनरेट होता है हमेशा. ओके सो जहां पे आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड बाउंड्री कंडीशन ऐड करना है, आप हीट फ्लक्स ऐड कर सकते हो. अब मैं हीट फ्लक्स वैल्यू ऐड कर रहा हूं इस फेस पे. ओके क्योंकि यहां पे ब्रेक पैड अटैच होता है, अप्लाई एंड देन आपके पास ये वैल्यू गिवन होना चाहिए हीट फ्लक्स का. अब मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ बेसिकली 25,000 का. ओके क्योंकि जो नॉर्मली बाइक का डिस्क ब्रेक होता है, ओके उसका जो वैल्यूज है अराउंड 15 से लेके 30-35,000 तक वैरी होता है वो वैल्यूज, डिपेंडिंग अपॉन ब्रेकिंग कंडीशन हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं. ऑलराइट मीन्स कितने टाइम यूज कर रहे हैं, कितना हार्ड ब्रेकिंग हम लोग कर रहे हैं, उस हिसाब से हीट फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट रहता है. ऑलराइट सो एक स्टैंडर्ड मैंने सेंटर वैल्यू ले लिया 25,000 वाट पर मीटर स्क्वायर का. अगेन अगर यूनिट आपका यहाँ पे मिलीमीटर है एंड आपने इस पे फॉर एग्जाम्पल 25,000 अप्लाई किया, तो ये वैल्यू देखो बहुत ही कम हो जाता है मिलीमीटर में. एंड मिलीमीटर में अगर आपने 25,000 अप्लाई किया है सो मीटर में आपका वैल्यू देखो 2.5e-10 हो जाता है. तो आपका एनालिसिस रिजल्ट आएगा ही नहीं, यहाँ पे एरर आ जाएगा डायरेक्टली. ओके इसीलिए ध्यान में रखो जो हीट फ्लक्स है वैट पर मीटर स्क्वायर में ऐड करना है एंड वो 25,000 होना चाहिए. गलती से इसे मिलीमीटर में किया तो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा ये. ओके नेक्स्ट सेम कन्वेक्शन कंडीशन चाहिए हमें. सो सिलेक्ट फेसेस, बॉक्स सिलेक्ट से सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई फिल्म कोएफिशिएंट. अगेन अगर आपके पास गिवन है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं है सो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है इसके वैल्यूज, सो मैं इसके वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 23 ऐड कर रहा हूं. ओके सो यहाँ पे आप मैन्युअली डायरेक्टली वैल्यू जो भी, अब नॉर्मल स्टैग्नेंट एयर कंडीशन में 5 होता है. ओके अब डिस्क ब्रेक के कंडीशन में मुझे ये 23 या फिर 20 चाहिए फॉर एग्जाम्पल, सो मैंने यहाँ पे कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऐड कर दिया. ओके अगेन रेडिएशन, सिलेक्ट ऑल फेसेस एंड अप्लाई. इमिसिविटी अभी तो चेंज नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए मुझे. ओके सो डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट किया एंड सॉल्यूशन को सॉल्व कर दीजिए.
अगेन हमें क्या चेक करना है, टेम्परेचर एंड टोटल हीट फ्लक्स। नाउ ये हीट फ्लक्स हम लोग फ्रिक्शन से जो जनरेट हो रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। ये जो टोटल हीट फ्लक्स रहेगा फाइनल वैल्यू, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हीट फ्लक्स रहेगा वो वैल्यू रहेगा इसमें, ओके। एंड इसे सॉल्व या फिर इवेल्युएट कर सकते हो आप। सो अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है, थोड़ा सा इसका लेयर सेटिंग्स में स्लो कर रहा हूं, ओके। सो ऐसे टेम्परेचर जनरेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे आपका ब्रेक पैड्स अटैच होता है वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर है 114.23 डिग्रीज का, एंड मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हो 82.89 का, ओके। एंड आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देखोगे, हीट फ्लक्स तो हमने एक ही साइड में लगाए थे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एग्जैक्ट सेम कलर्स एंड एग्जाम से एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिमेट्री रीजन अप्लाई किया है, मींस मैं एक फेस पे जो वर्क कर रहा हूँ वो अपने आप सिमेट्रिकली ऑपोजिट फेस पे अप्लाई हो रहा है, सो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ओके। हीट फ्लक्स देखना है हमें, सो ये हीट फ्लक्स है। हीट फ्लक्स में अब देखो टेम्परेचर में ग्राफिक्स या फिर वेक्टर्स नहीं होता, सो हीट फ्लक्स में वेक्टर से आप डायरेक्शन देख सकते हो किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है आपका, ओके। यहां पे आपका टेम्परेचर मैक्स रहेगा एंड यहां से हीट कैसे पास हो रहा है ये आप चेक कर सकते हो। अब देखो होल से भी कैसे हीट डिसिपेट हो रहा है ये भी यहां पे शो होगा, ओके। कॉर्नर्स पे कैसे हीट पास हो रहा है ये एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। अगर इसे आप फुल वेक्टर्स में देखते हो थोड़ा सा साइज कम कर दो, राइट, एंड नाउ आपको पता चलेगा यहाँ पे। ओके, सो इस वे में आप इसका एनालिसिस कर सकते हो कि फ्लो डायरेक्शन कैसा है, ऑलराइट। थोड़ा सा अगेन साइज इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपको परफेक्ट पता चले। देन आप इसका एनालिसिस करके आपको अगर चेंज करना है, मीन्स ये शेप आपको चेंज करना है या फिर होल्स कम ज्यादा करना है, ओके। सो ये ट्रायल एंड एरर करके आप रिजल्ट्स कंपेयर कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा डिस्क बेटर रहेगा, ऑलराइट। अब देखो ये एक हो गया, सिमिलर हम लोग और डिस्क पे एनालिसिस करते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड रिजल्ट कंपेरिजन भी हो जाएगा, ओके। सो अगेन स्टेडी स्टेट थर्मल ज्योमेट्री इंपोर्ट करना है हमें, सो इंपोर्ट। अब यहां पे डिस्क ब्रेक 2 ओपन कर रहा हूं मैं, ओके। डायरेक्टली मॉडल नहीं क्योंकि हमें यहां पे इम्प्रिंट फेसेस करना है, फेसेस अलग चाहिए हमें, ओके। सो राइट क्लिक करके एडिट ज्योमेट्री कर रहा हूं मैं इसे, इंपोर्ट, ऐड मटेरियल कर दो यहां पे एंड जनरेट। यूनिट मिलीमीटर पे किया, वाई जेड प्लेन पे मैं लुक एट कर रहा हूं क्योंकि इसका भी स्केचिंग वाई जेड प्लेन पे ही है। नाउ अगर आपको दो डिस्क में रिजल्ट कंपैरिजन चाहिए, अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन चाहिए, सो यहां पे आपने जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है सिमिलर यहां पे भी होनी चाहिए, मींस यहां पे आप जहां पे फेसेस इम्प्रिंट कर रहे हो उनका डायमेंशन भी सेम ही होना चाहिए। सो स्केचिंग करते वक्त जो सर्कल निकाल रहे हो उनका डायमीटर सेम रखो। उस पार्ट में भी मैंने 2 सर्कल्स निकाले थे एंड दोनों का डायमीटर था 140 and 120, ओके। सिलेक्ट स्केच, एक्सट्रूड देखो, अब ये लेफ्ट फेस से राइट में एक्सट्रूड हो रहा है, सो इसे मैं रिवर्स डायरेक्शन कर रहा हूं एंड इम्प्रिंट फेसेस चाहिए मुझे, सो इम्प्रिंट फेसेस जनरेट। एंड अब आप देख सकते हो यहां पे फेस आपका अलग हो जाएगा, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शन में टोटल कंप्लीट एक ही फेस रहेगा। नेक्स्ट मॉडल, सबसे पहले हमें ज्योमेट्री पे क्लिक करके, सॉरी मॉडल में सिमेट्री अप्लाई करना है। सिमेट्री जो आपका कंप्लीट फेस रहेगा उसे सिलेक्ट कीजिए एंड सिमेट्री रीजन पे क्लिक कीजिए, यहां पे सिमेट्री अप्लाई हो गया, ओके। नेक्स्ट मैश, जनरेट मैश। नाउ इसे जस्ट मैं मीडियम साइजिंग कर रहा हूं क्योंकि अदर मॉडल पे भी मैंने ओनली मीडियम साइजिंग किया था, ओके। सो सेम जनरेट मैश, ओके। नेक्स्ट इनिशियल टेम्परेचर एनालिसिस सेटिंग में हमने कुछ चेंज नहीं किया था,
हमने ऐड किया था हीट फ्लक्स। सो हीट फ्लक्स जो इम्प्रिंट किया है फेस उसे सिलेक्ट करके अप्लाई 25,000 वाट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लक्स अप्लाई किए थे हमने। नेक्स्ट कन्वेक्शन बॉक्स सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल फेसेस अप्लाई एंड यहां पे हमने कन्वेक्शन वैल्यू दिया था आई थिंक 20 का, कन्वेक्शन 20 ओके। हमने स्टैंडर्ड यूज नहीं किया था, डायरेक्टली यहाँ पे मैन्युअली वैल्यू पुट किया था ओके। सो सेम वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं एंड सेम रेडिएशन सिलेक्ट अप्लाई, यहाँ पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया था ओके। एंड नाउ फाइनली सॉल्व करने से पहले भी आप लोग टेम्परेचर एंड हीट फ्लक्स ऐड कर सकते हो एंड सॉल्व। ओके, नो वायर फ्रेम एंड स्मूथ कंटूर में हम लोग इसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। राइट, सो ये यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा एंड ऐसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मिनिमम टेम्परेचर है 89.391, मैक्सिमम टेम्परेचर इज 107.76। अगर इसमें आप चेक करो मिनिमम टेम्परेचर 82 एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 114 ओके। सो दोनों के रिजल्ट्स में आप चेंज देख सकते हो। इस डिस्क में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है क्योंकि अब देखो यहाँ पे इतना सारा मटेरियल कम हुआ है, मीन्स सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, मीन्स जो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर आपका जनरेट हो रहा है वो 115 डिग्रीज है ऑलमोस्ट ओके। बट मिनिमम टेम्परेचर देखो यहाँ से आपका अगर एयर पास हो रहा है सो उसकी वजह से हीट डिसिपेट भी ज्यादा होगा, इसीलिए मिनिमम टेम्परेचर भी इसका कम है 82-83 डिग्रीज। इसमें देखो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कम है ओके क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है एंड मिनिमम टेम्परेचर भी कम है क्योंकि इसमें होल स्मॉल है एंड ऐसे ज्यादा एयर पास होने के लिए आपके पास यहाँ पे जगह नहीं है, स्मॉल स्मॉल होल्स है एंड यहाँ पे जैसे गैप है बीच में वैसा कोई भी गैप हमने ऐड नहीं किया उसमें ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन इसका जो डिजाइन और स्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से आपका वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली टोटल हीट फ्लक्स आप देख सकते हो, वेक्टर में देखोगे तो आपको बेटर डायरेक्शन इसका पता चलेगा ओके। कौन से डायरेक्शन में कैसे आपका हीट फ्लक्स या फिर टेम्परेचर फ्लो हो रहा है। ओके, सो बेसिकली ये आपका थर्मल एनालिसिस के टू एग्जांपल्स है। फर्स्ट हमने एक फिन का देखा था, ऑलराइट, फिन में कैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जिसमें हम लोग डायरेक्टली टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं सरफेस टेम्परेचर एंड वो सरफेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसमें कितना टेम्परेचर मिनिमम आ रहा है वो चेक कर रहे थे। ओके, बाउंड्री कंडीशंस में यहां पे आप देख सकते हो हमने टेम्परेचर अप्लाई किया एंड देन हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि मिनिमम टेम्परेचर कितना आ रहा है। इस कंडीशन में हमने हीट फ्लक्स अप्लाई किया एंड देन उसमें टेम्परेचर कितना जनरेट हो रहा है वो चेक किया। राइट, दोनों में हमने कन्वेक्शन रेडिएशन ऐड किया। अगर रेडिएशन कंडीशन नहीं है आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपके पास इमिसिविटी दिया है, फॉर एग्जांपल इमिसिविटी 0.5 है, अगेन आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो 111 का 120 हो गया डायरेक्टली एंड मिनिमम टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया आपका। जैसे ही मैंने रेडिएशन का ये जो वैल्यू है चेंज कर दिया इमिसिविटी, वैसे ही आप कन्वेक्शन चेंज करोगे अगेन वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब 20 नहीं, मुझे स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट केस चाहिए। राइट, एंड सॉल्व। अगेन देखो 120 से डायरेक्टली 217 हो गया एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, सो रेडिएशन होगा, कन्वेक्शन होगा, यहाँ पे 20 वैल्यू था, अब 5 हो गया तो डायरेक्टली डबल हो गया टेम्परेचर। मीन्स जैसे ये वैल्यूज आप कम करोगे यहाँ पे वैल्यू आपका टेम्परेचर का एंड हीट फ्लक्स का इंक्रीज होगा। ओके, सो इस वे में आप थर्मल एनालिसिस कर सकते हो।